4.5 अरब साल पहले वजूद में आने वाली हमारी ये ज़मीन और 13.8 अरब साल पहले तख्लीक होने वाली ये कायनात ऐसे अजीब मकामात से भरी हुई है। हमारी अजीम और हसीन दुनिया क्या खुद ब खुद वजूद में आई और खुद ब खुद चल रही है, या फिर इसका कोई बनाने और चलाने वाला भी है? यह हर दौर के इंसान का सबसे बड़ा सवाल रहा है, जिसका जवाब जदीद मगरबी तहजीब ने यह दिया है कि ये कायनात, हमारी ये जमीन और यहां पाई जाने वाली जिंदगी की अनगिनत इकसाम एक हादसे, इत्तेफाक और खुशकिस्मती के सिवा कुछ नहीं। मैं इस वक्त सतह समंदर से तकरीबन 7,300 फुट की बुलंदी पर खड़ा हूँ। कराकरम के अजीम पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाकई ये जगह दुनिया के बुलंद तरीन सहराओं में से एक है। सर्दियों की बर्फबारी और गर्मियों में खुशगवार माहौल की बिना पर इस जगह को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। आज से 4.5 अरब साल पहले बनने वाली हमारी ये ज़मीन और 13.8 अरब साल पहले वजूद में आने वाली हमारी ये कायनात ऐसे अजायबात से भरी हुई हैं। हमारी ये अजीम हसीन दुनिया क्या खुद ब खुद वजूद में आई, या इसका कोई बनाने और चलाने वाला है, ये हर दौर में इंसानों का सबसे बड़ा सवाल रहा है। दौर जदीद की मगरबी तहजीब ने इस सवाल का ये जवाब दिया है कि हमारी अजीम हसीन दुनिया एक हादसे, इत्तेफाक और खुशकस्मती के सिवा कुछ नहीं। यही वो नुक्ता नजर है जिसे अब दुनिया भर में फिक्री गलबा हासिल है। अल्लाहु अकबर, कुरान मजीद दीगर आसमानी सहीफों की तरह इस नुक्ता नज़र को न सिर्फ रद्द करता है, बल्कि इससे कहीं आगे बढ़कर वो खालिक़ कायनात का तारुफ बहुत तफसील के साथ कराता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तौहीद, एक रोज़ उसके हुजूर पेशी और उसके रसूलों की सच्चाई के बहुत से अकली और फितरी दलाइल पेश करता है। हम कुरान मजीद में ये दलाइल किसी ख़ास तरतीब से बयान नहीं हुए, बल्कि रसूलों की उन दास्तानों के पस मंज़र में बयान हुए हैं जो हमारी अपनी कहानी है, यानी इंसान की कहानी को हमारे सामने पेश करती है। मेरा नाम डॉक्टर रेहान अहमद यूसफी है। लोग मुझे मेरी कुनियत अबू यहया और मेरी किताब जब जिंदगी शुरू होगी के हवाले से जानते हैं, जिसमें एक कहानी की शक्ल में आने वाली ज़िंदगी यानी आखरत की ज़िंदगी का तारुफ कराया गया है। और इस प्रोग्राम इंसान की कहानी में रसूलों की दास्तानों के साथ हम कुरान मजीद की उन दलाइल का मुताला करेंगे
जो अनफुस व आफाक की निशानियों की शक्ल में हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं, मगर हम उन पर गौर नहीं करते। हो सकता है आप में से बहुत से लोग खुदा, आखरत, पैगंबरों और किताबों पर ईमान ना रखते हों, मगर इस प्रोग्राम इंसान की कहानी में कुरान मजीद के दलाइल सुनने के बाद आप ये सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि इस इनकार की क्या वजह है जो आपके पास बाकी रह गई है। जमीन की अजमत का वो आखिरी संगे मील जिसे सर करके इंसान आसमान की बुलंदियों को छूने की कोशिश करता है। इंसानों ने पहाड़ों को सर करके हमेशा अपने जौक का इजहार किया है कि मुश्किलात को झेलकर अजमत की बुलंदियों तक पहुंचना इंसानी फितरत है। इंसान की फितरत उस वक्त भी थी जब खालिक के कायनात ने तमाम मखलूकात को ये मौका दिया कि वो खुदाई अमानत का बोझ उठाकर जन्नत की अबदी बादशाहत को हासिल कर ले। आसमानों, जमीन और पहाड़ों ने इस अमानत के बोझ की मुश्किलात को देखा तो डर कर पीछे हट गए। ऐसे में एक नातवा मखलूक आगे बढ़ी और इस अजीम चैलेंज को कबूल कर लिया। ये नातवा मखलूक कोई और नहीं, यही इंसान था जो आज भी पहाड़ों की चोटियों को सर करके आसमान की बुलंदियों को छूने की कोशिश करता है। खुदाई चैलेंज को कबूल करने वाली ये हस्ती हर इंसान की थी। ये मैं भी था और आप भी थे। ये इस दुनिया की तमाम औरतें और तमाम मर्द थे, चाहे वो माजी में पैदा हुए, हाल में कहीं मौजूद हैं या मुस्तकबिल में कभी जन्म लेंगे। इंसान की कहानी ज़मीन के एक हकीर बासी की आसमानी रफ़तों को पा लेने की ख्वाहिश की कहानी है। इंसान की कहानी एक ज़र्रा नाचीज़ की पहाड़ों से बुलंदतर मुकाम हासिल कर लेने के शौक़ की कहानी है। इंसान की कहानी में हम यही दास्तान देखेंगे और सुनेंगे। عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا। हमने ये अमानत ज़मीन और आसमानों और पहाड़ों के सामने पेश की थी तो उन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया था और उससे डर गए थे, मगर इंसान ने उसको उठा लिया। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही जालिम और जज्बात से मगलूब हो जाने वाला है। अभी आपने पहाड़ को पत्थर मारा है, चलिए देखते हैं पहाड़ को पत्थर मारने से क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, पहाड़ ने मेरे पत्थर का कोई जवाब नहीं दिया। चलिए एक कोशिश और करते हैं। पहाड़ ने शायद ये उसूली फैसला कर रखा है कि मेरे किसी पत्थर का कोई जवाब नहीं देना, लेकिन पहाड़ मेरे इस पत्थर के जवाब में अपना कोई हिस्सा मेरे ऊपर गिरा दे तो मेरी हस्ती सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी।
पत्थर और पहाड़ का इंसान की कहानी से बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन ये ताल्लुक क्या है मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। मैं इस वक्त दरियाए सिंध के किनारे पर मौजूद हूँ। ये दरिया ज़माने कदीम से इंसानी तहजीबों का गहवारा रहा है। इंसानी इल्म हमें इन तहजीबों के बारे में बहुत कुछ बताता है। इंसानी इल्म हमें इस कायनात और इस धरती के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। मिसाल के तौर पर ये कि इस दरिया का आगाज़ क्या है और अंजाम क्या है। लेकिन इंसानी इल्म हमें इंसान की कहानी के बारे में कुछ नहीं बताता। किसी शायर ने कमाल खूबसूरती से इस बात को इस तरह बयान किया था, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम। इंसानी इल्म अगर फ़लसफ़े की भूल भुलैयों का हो तो वहाँ मामला और भी ज़्यादा ख़राब है, जिसे ज़बान शायर इस तरह बयान करती है, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम, रहा सवाल के हम हैं तो ये भी क्या मालूम। अगर कुरान मजीद नहीं होता तो इंसानी इल्म के सहारे इंसान की कहानी का आगाज़ व अंजाम जानना तो दूर की बात है, इंसान की हस्ती का वजूद भी मुश्तबा ही रहता। जो लोग इंसानी इल्म और फ़लसफ़े की तारीख से वाकिफ़ हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर खुशकिस्मती से हमारी कहानी का आगाज़ व अंजाम परवरदिगार आलम ने अपनी किताब में हमें खुद बता रखा है। आइए इंसान की कहानी का आगाज़ करते हैं, जब वक्त भी शुरू नहीं हुआ था और जब शायद मखलूक़ात अपनी मौजूदा शक्ल में वजूद में भी नहीं आई थी। इंसान की कहानी का आगाज़ उस वक्त हुआ था। इंसान की कहानी मखलूकात के बारे में खुदा के मंसूबे से शुरू होती है। वो खुदा जिसके सामने कोई सर नहीं उठा सकता, उस खुदा की अजमत को खराज तहसीन वही मखलूक पेश कर सकती है जो खुद साहिब इख्तदार हो और खुदा को बिन देखे उसके सामने सर झुका दे। यहीं से मखलूकात के बारे में खुदा का मंसूबा शुरू होता है और यही वो जगह है जहां से इंसान की कहानी शुरू होती है। मंसूबा यह था कि खुदा जो ताकत इख्तियार और इख्तदार का तन्हा मालिक है, अपनी बेपनाह ताकत तमाम तर इख्तियार और कामिल इख्तदार के साथ पर्दा गैब में चला जाएगा। इस अरसे गैब में खुदा कायनात के खालिक व मालिक के इख्तदार और इख्तियार का एक हिस्सा किसी मखलूक को आर्जी तौर पर अमानतन दे दिया जाएगा। आलम का परवरदिगार उस मखलूक के सामने नहीं होगा, बस उसका पैगाम होगा जिसकी तस्दीक अनफुस व आफाक की निशानियां करेंगी। जो कोई इस हाल में खुदा के सामने झुक गया
वो जन्नत की अबदी बादशाही का हकदार होगा, और जो इख्तियार पाकर सरकश और गाफिल हो गया वो अपनी सरकशी और गफलत का नतीजा जहन्नम की शक्ल में भुगतेगा। कुरान मजीद से मालूम होता है कि आसमान, जमीन और पहाड़ जैसी अजीम मखलूकात इख्तियार और इख्तदार की इस अमानत को उठाने से डर गए। सब जानते थे कि यह बारे अमानत उठाना खुदाई इख्तदार पाने के बाद भी बंदे आजिज बनकर रहने का बहुत मुश्किल काम है, सो वो सब डर के पीछे हट गए। हमने ये अमानत जमीन और आसमानों और पहाड़ों के सामने पेश की थी तो उन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया था और उससे डर गए थे। मगर वहां एक दीवाना भी था जो खत्म न होने वाली सरफराजी का दरवाजा खुलता देखकर जज्बात से मगलूब हो गया। ये दीवाना, ये इंसान आगे बढ़ा और अपने तमाम तर इज्ज़त के बावजूद ये बोझ उठा लिया। जज्बात में आकर अपनी ताकत से कहीं बड़े बोझ को उठाने की ये दीवानगी ही वो चीज है जिसे कुरान मजीद ने इंसान का जालिम और जाहिल होना कहा है। और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही जालिम और जज्बात से मगलूब हो जाने वाला है। कुरान मजीद का यह तबसरा इंसान पर कोई तनकीद नहीं, इंसान के हौसले का बयान है, इसलिए कि इंसान की यही वो दीवानगी है जिसने उसके ऊपर अबदी ज़िंदगी और अबदी बादशाहत के दरवाजे खोले थे। यही वाकया इंसान की कहानी का आगाज है। पत्थर और पहाड़ का इंसान की कहानी से क्या ताल्लुक है, इस बात को समझने का अब वक्त आ गया है, लेकिन एक कोशिश और करके देखते हैं। हिम्मत जवाब दे, जवाब दे। पहाड़ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहाड़ को छोड़ते हैं, इस बात को समझते हैं कि पत्थर और पहाड़ का इंसान की कहानी से क्या ताल्लुक है। गैब में मौजूद खुदा की अता करदा इख्तियार और इख्तदार की अमानत को पाकर खुदा को भूल जाना और इस अमानत को गलत इस्तेमाल करना पहाड़ के सामने खड़े होकर उसे पत्थर मारने से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये पत्थर पहाड़ ने दिया था और मैं पहाड़ पर इसी का दिया हुआ पत्थर मार रहा था। इंसानों की अक्सरियत ने यही काम किया है। जमीन का इख्तदार पाकर इंसान ने खुदा को कभी शिर्क के पत्थर मारे और कभी इल्हाद का चैलेंज दिया, मगर खुदा ने अपने मंसूबे के मुताबिक कभी किसी मुशरिकाना गाली या मुल्हिदाना संगबारी पर कोई बराए रास्त जवाब नहीं दिया। इस पहाड़ की तरह जिसने मेरे किसी पत्थर का कोई जवाब नहीं दिया। खुदा की खामोशी उसके कायनाती मंसूबे का हिस्सा है, इसके ना होने का सबूत नहीं। इंसान के सिवा बाकी मखलूक ये बात समझती थी कि खुदा से गैब में रहकर जब उसकी फौरी पकड़ का इम्कान ना हो तो सरकशी और गफलत से बचना बहुत मुश्किल है। इंसान ने यही किया और आज वो खुदा को शिर्क और इल्हाद की गाली देता और जिस दुनिया को छोड़कर चले जाना है उसी को जन्नत बनाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। मगर वो ये भूल जाता है कि जिस रोज गैब का पर्दा उठेगा वो दिन मुजरमों की बर्बादी का दिन होगा। मगर सवाल ये है कि इस मुश्किल इम्तिहान में जिसमें असल खुदा कामिल गैब में है, इस छोटे और दर हकीकत झूठे खुदा
यानी इंसान की रहनुमाई का कोई बंदोबस्त भी किया गया है? इंसान का इम्तिहान बहुत सख्त है और उसे सख्तर बना देने वाली दो चीजें हैं, एक रसूलों के दौर के सिवा खुदा का मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रहना। इंसान खुदा के हुक्म की जो भी नाफरमानी करे, खुदा उसकी फौरी पकड़ नहीं करता। दूसरा ये कि खुदा जो कुछ भी करता है असबाब के पर्दे ही में रहकर करता है, कोई इन पर्दों को हटाकर उनके पीछे कार फरमा खुदा को नहीं देख सकता। मगर ये तो इम्तिहान की नौयत का बयान है, इस सवाल का जवाब तो अभी बाकी है कि इंसान की रहनुमाई का क्या इंतजाम किया गया है। सिवाय इसके कि खुदा गैब का पर्दा फाड़कर बराह रास्त इंसानों के सामने आ जाए, इंसान की हिदायत का हर बंदोबस्त किया गया है। इस बंदोबस्त की तफसीर इंशाअल्लाह हम इंसान की कहानी की आने वाली अकसात में देखेंगे। इंसान की कहानी एक तवील कहानी है। जदीद उलूम ये बताते हैं कि इस कहानी का आगाज लाखों बरस पहले हुआ। कुरान मजीद से मालूम होता है कि इस कहानी का आगाज उससे भी कहीं पहले हुआ था। इस कहानी के आगाज में इंसान ने उस इम्तिहान में उतरना पसंद किया जिसे देखकर आसमान, जमीन और पहाड़ भी डर गए थे। इसके बाद भी इस कहानी में बड़े मराहिल हैं। इस कहानी में आदम से कयामत तक आने वाले इंसान हैं जिन्हें एक साथ पैदा करके उनका इम्तिहान उन्हें दिया जाता है। फरिश्ते हैं जो इंसान को इस खुदाई इख्तदार के दिए जाने पर सवाल उठाते हैं। शैतान है जो खुदा की इज्जत की कसम खाकर इंसानों को गुमराह करने का अज़्म करता है। इस कहानी में आदम और हव्वा हैं जो शैतान के हमलों का बराह रास्त निशाना बनते हैं। इस कहानी में कौम नूह है जिसने शिर्क को अपना मजहब बना लिया। इस कहानी में तूफान नूह है जिसने उन मुशरिकों का नाम और निशान मिटा दिया। इस कहानी में आदो समूद हैं जिनके जुल्म ने जमीन को फसाद से भर दिया। इस कहानी में आंधी और कड़क का वो अजाब है जिसने इन जालिमों को खसो खशाक की तरह उड़ा दिया। इस कहानी में कौम लूत है जिसने फितरत से बगावत करके बदकारी की एक नई तारीख रकम की। इस कहानी में फितरत का वो इंतकाम है जिसने इनकी बस्तियों को पामाल कर दिया। इस कहानी में फिरौन है जो अपनी कौम पर खुदा बनकर हुकूमत करता था। इस कहानी में पानी का वो अजाब है जिसने फिरौन को उसकी अजमत समेत गर्क कर दिया। इस कहानी में कौम शुएब है जिसने बददियानती को अपना कारोबार बना लिया। इस कहानी में छा जाने वाला वो अजाब है जिसने कौम शुएब को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। इस कहानी में खुदा के रसूल हैं जिन्होंने शैतान से लड़कर खुदा के बंदों को उसका रास्ता दिखाया। इस कहानी में बख्त नसर और टाइटस जैसे फातिहीन हैं जो मुजरिमों पर कहरे इलाही बनकर नाजिल हुए। इस कहानी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद है जो 4000 बरस से दुनिया में तौहीद की अलमबरदार बनकर खड़ी है। इस कहानी में आखिरी नबी और उनकी कौम है जिसने इंसानियत पर हक की शहादत दी। इस कहानी में यहूद और नसारा हैं जो अपनी जात में कयामत की एक निशानी बन चुके हैं। और इस कहानी में मुसलमान हैं जिनकी अक्सरियत अपनी ही किताब यानी कुरान मजीद में बयान करदा इस कहानी से बेखबर है। हम इस कहानी में इंसानी तारीख को खुदा के जाविये से देखेंगे। हम इंसान की कहानी के उस खात्मे को देखेंगे जिसे कयामत कहा जाता है।
हम इन निशानियों को देखेंगे जिन्हें आखिरी नबी ने कयामत की निशानी के तौर पर बयान किया है और जो जाहिर भी हो चुकी हैं। हम देखेंगे कि इंसानी इजाफों को निकालने के बाद खुदा के दीन की तालीम कितनी सादा और फितरी है। हम देखेंगे कि खुदा ने अपनी सच्चाई की कितनी माकूल और फितरी निशानियां हमारे अंदर और बाहर हर तरफ बखेर रखी हैं। हम देखेंगे कि इंसान इन सारी निशानियों से बेखबर कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इंसान जो इस कहानी के असल हीरो हैं, इस कहानी को कुरान मजीद की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये अंधेरों से निकलकर रोशनी में आने का एक सफर है। मैं रोशनी के इस सफर में आपको अपने साथ चलने की दावत देता हूं। मेरे साथ चलिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि हमारी कहानी हमेशा के लिए खाली हो जाए।